नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर किसान की YouTube चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज हम खड़े हैं फरीदाबाद के ही गांव पावटा के रेनवा डेयरी फार्म में और जो इस डेयरी फार्म के दोनों संचालक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, चेतन शर्मा जी और मिलन शर्मा जी। आज हम ये दोनों हमको बताएंगे कैसे गोबर गैस प्लांट काम करता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका, और हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर ये जो गोबर गैस प्लांट होता है ये कैसे काम करता है। नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए सबसे पहले बताना चाहूँगी कि गोबर एक ऐसा उत्पाद है जिससे हमें बहुत कुछ मिल सकता है, और गोबर गैस प्लांट तो हर गौपालक को अपने घर में लगा ही लेना चाहिए। भले ही घर में दो ही या एक भी पशु हो तो छोटा मोटा एक गोबर गैस प्लांट ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि उससे हमें खाने के लिए ईंधन जो हम गैस जलाते हैं वो मिल सकता है, साथ में बिजली भी उत्पादन हो सकता है, और बहुत ही बढ़िया जो खाद निकलती है स्लरी वो उससे हमें मिल सकती है। कैसे ये हमारे यहाँ काम करता है उसमें एक्सपर्ट है मेरे पति चेतन जी, ये आगे बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये गोबर घोलने की एक छोटी कुंडी है। इसमें गोबर इकट्ठा किया जाता है और ध्यानपूर्वक देखा जाता है कि इसमें 60% पानी मिलाया जाए गोबर में। उस पानी से घुल के और इसमें एक नया एक पाइप होता है जो कि नीचे मेन पिट है, उसमें घुला हुआ गोबर जो कि 40% गोबर और 60% पानी है वो नीचे से, जब गोबर में मीथेन जो होती है वो रिलीज होती है। मीथेन नॉर्मली दूसरे से 14वें दिन तक रिलीज होती है, और वो जो जब मीथेन रिलीज होती है तो गोबर भी स्लरी की तरह से ऊपर आता जाता है, और स्लरी अपनी अलग निकल जाती है, गैस ऊपर जो इकट्ठी होती है वो अपने प्रेशर से, हमने जैसे पाइप लगा रखे हैं पाइपों के ज़रिए अपने स्टाफ क्वार्टर्स की किचन में चली जाती है, प्लांट में जहाँ पे कि सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, खोआ बनेगा, पनीर बनेगा, घी बनेगा, उस सब के लिए हम यूज़ करते हैं, और अपने फार्म हाउस की एक छोटा सा रिहाइश का कमरा बना हुआ है उसमें भी किचन के काम में आता है। तो अच्छा, सर अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो उन्होंने गोबर गैस प्लांट लगाया तो वो उनका कहीं ना कहीं फेल हो जाता है या वो उसको सही से संचालित नहीं कर पाते हैं। शुरू में तो काफ़ी अच्छा उनका रिवर्ट आता है, अच्छा खासा फीडबैक आता है, लेकिन बाद में कहते हैं कि वो गोबर गैस प्लांट उनका बंद हो गया, चोक हो गया, ऐसा क्यों होता है? नॉर्मली क्या है कि गोबर को कहाँ से उठाया गया इस पर डिपेंड करता है। गोबर, अगर गोबर में मिट्टी मिली हुई होगी तो गोबर में से जब मीथेन निकलती है गोबर हल्का हो जाता है, गोबर उठ जाता है, मिट्टी नीचे सेटल होती जाती है। जो हम नीचे पाइप छोड़ते हैं वो करीब 1 या 1.5 फुट ऊपर छोड़ते हैं बेस से, जब तक वो मिट्टी वहाँ पे सेटल नहीं हो पाती है तब तक वो चलता रहता है। जैसे ही वो मिट्टी उस पाइप के लेवल के ऊपर आती है तो प्लांट चोक हो जाएगा। एक रीज़न तो ये होता है कि उसमें मिट्टी है, दूसरा ये है कि पानी और गोबर की कंसिस्टेंसी बराबर होनी चाहिए जिससे कि उसमें से मीथेन रिलीज होती रहे और गोबर ऊपर उठता रहे। अगर पानी कम है तो गोबर गाढ़ा होगा तो वो गोबर बैठ जाएगा, वो फिर उठेगा नहीं। प्रॉपर 60% पानी होना ही चाहिए जिसमें वो घुला रहे और उसकी वजह से वो ऊपर उठेगा, और अगर सूखा गोबर होगा तो वो बैठ जाएगा और कुछ दिनों में प्लांट चोक हो जाएगा। तीसरी चीज़ कि अगर हम इसमें डेली पानी नहीं डालेंगे, डेली ऑपरेट नहीं करेंगे तो भी चोक हो जाएगा, तो भी वो जब नीचे जब उसकी गैस ख़त्म हो जाएगी और फिर गोबर के पार्टिकल्स उसमें नीचे बैठने लग जाएंगे, क्योंकि डेली पानी नहीं जाएगा और उसकी चर्निंग नीचे नहीं होगी, वो पानी जब नीचे जाता है तो नीचे से पानी जो है बाकी सबको ऊपर ढकेलता है, तो वो प्रोसेस नहीं होगी तो वो फिर सेटल होने लग जाएगा, जब सेटल होगा तो चोक होगा। अच्छा, अगर इकोनॉमिकली बात करें, आपने इतना बड़ा जो ये प्लांट लगाया हुआ है, अगर हम इसका कंपैरिजन करें या इसकी कैलकुलेशन निकालें नॉर्मल अपनी जो हमारे घर पे एलपीजी होती है, सिलेंडर होता है, या जो हमारे गैस की सप्लाई होती है, तो लगभग कितना निकल के इसका जो रेशो होता है वो कितना निकल के आता है? सी, मैं एग्जांपल इस तरीके से दूंगा, जब तक हमारे पास ये नहीं था और हमारा पूरा प्रोडक्शन होता था तो महीने की करीब कमर्शल 8 से 10 सिलेंडर लग जाते थे, विच इज़ अबाउट 10,000 रुपये मान के चलें, वो एक सेविंग हो गई, तो 1,20,000 की सेविंग मेरी पूरे साल की होती है इस गोबर गैस प्लांट की। हमारे देश के उन किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो खुद ही गौशाला का संचालन करते हैं या जिनके पास खुद की गायें हैं, एक दो गायें हैं या उससे अधिक संख्या की गायें हैं, तो वो ऐसा प्लांट लगाएं?
अगर लगा सकते हैं तो ज़रूर लगाना चाहिए। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो उनको ईंधन तो मिलता ही मिलता है, दूसरा स्लरी के रूप में खाद मिलती है, तीसरा जो वो ईंधन के तरीके से कंडे थापते हैं या उपले थापते हैं उसके लिए बहुत जगह चाहिए। उसके बजाय ये ईंधन का काम गैस से हो जाता है और जो गोबर की खाद बनती है वो स्लरी से मिल जाती है और कंडे थापने की प्रथा ख़त्म की जा सकती है। तो कितनी अच्छी बात बताई चेतन सर ने हमको कि एक जो गाय होती है, जो हमारा पशु होता है, वो वास्तव में एक धन होता है। उसको इसीलिए हमारे पूर्वजों ने पशु धन का नाम दिया है, और अगर देसी गौ माता हो तो उसके क्या कहने। जैसे कि आपने देखा कि अगर आपके पास कोई गाय है, कोई पशु आपके पास है, भैंस भी है, तो आप उसके गोबर से एक ऐसा छोटा प्लांट लगा सकते हैं और जो आपकी बचत है उसको आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और उपलों की बजाय भी आप इस छोटे से प्लांट को लगाकर अपने घर में चूल्हा जला सकते हैं। आशा करते हैं आपको गोबर गैस प्लांट से जुड़ी यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल नोटिफिकेशन दबाकर हमारी ताजा अपडेट के लिए तैयार रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।